हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज हम कवर करने जा रहे हैं स्पीड मैथ्स पार्ट थर्ड मल्टीप्लिकेशन। पहला मेथड देखेंगे जनरल मेथड टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आपको कंसेप्ट क्या यूज़ करना है। कंसेप्ट आपको ये यूज़ करना है, जैसे ही मान लीजिए ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेथड जो आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, यदि कैरी आती है तो कैरी बचा लें, बाकी वो सेकंड डिजिट यहाँ पे लिख दें जो भी है। देन आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करें। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो कुछ भी आता है उसको, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी आता है उसको, इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो कैरी आती है वो यहाँ पे रख लें, वो नंबर यहाँ पे लिख दें। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से करना है आपको, देन कैरी ऐड करके आपको आंसर लिख देना है। समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से, समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से। 18 का मल्टीप्लिकेशन 12 में करना है, 18 का मल्टीप्लिकेशन 12 में करना है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, 8 इंटू 2 क्या होगा, 16 की 6 कैरी 1 लिख ली। देन फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में किया 2, 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया 8, प्लस कर लें 8, 2 प्लस 8 कितना होगा 10, 1 कैरी ऐड हुई तो 11 की 1 कैरी फिर आ गई। फिर क्या करें, लास्ट स्टेप क्या होगी, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, आंसर क्या है 216। तीन स्टेप करने हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए, 3 स्टेप यूज़ करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 28 इंटू 12, 28 इंटू 12। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 में किया, 8 मल्टीप्लिकेशन 2 में किया 16, 1 कैरी आई। सेकंड स्टेप होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 1 8, 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी ऐड की 13 की 3, 1 कैरी आ गई। लास्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 36। और एग्जांपल ले लेते हैं, 36 23 का मल्टीप्लिकेशन 34 में करना है, 23 का मल्टीप्लिकेशन 34 में करना है। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करना, 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करना, 12 आया, 2 यहाँ पे लिखा, कैरी 1 यहाँ लिखी। सेकंड स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड स्टेप होता है क्रॉस मल्टी, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 8 प्लस 9 17, 1 कैरी ऐड की यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 18 की ऐड 8 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे। लास्ट स्टेप क्या होगा, 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा 6 प्लस 1 7, 782। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, 34 इंटू 62, जल्दी से करिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 4 इंटू 2 8, सेकंड स्टेप होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 6 24 प्लस 6 30, 24 प्लस 6 30, 30 के 0 3 कैरी। लास्ट स्टेप क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू
सिक्स 18, 18 प्लस 3 21, 2108, 2108। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। 14 का मल्टीप्लिकेशन 16 में करना है। फर्स्ट स्टेप होगी 4 इंटू 6 24, 24 की 4 2 कैरी, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 6 6 प्लस 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 6 10, 2 कैरी ऐड करी 12, 12 की 2 1 कैरी, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, 224। आंसर क्या है? 224। और क्वेश्चन लेते हैं इसी के। 56, जब तक आपको क्लियर नहीं होता और क्वेश्चन करते हैं। 56 इंटू 24, पहला स्टेप क्या है? 6 इंटू 4, 24, 24 की 4 2 कैरी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 20 32, 2 कैरी ऐड करी 34, 4 लिखा 3 कैरी, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 3 13। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। अब एक ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 41 इंटू 21, 41 इंटू 21 डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 4 6, 4 इंटू 2 8, 8 61 आंसर। किसी भी नंबर, किसी भी टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टू डिजिट नंबर से तीन स्टेप अपन ने यूज़ किए। ये टाइप फर्स्ट था हमने, तीन स्टेप यूज़ किए। कौन सी थ्री स्टेप? पहला मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, दूसरा इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, तीसरा लास्ट स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो और आंसर लिख दो। ठीक है, अब टाइप सेकंड देखते हैं इसी का। अब देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर इनटू थ्री डिजिट नंबर। तीन डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीन डिजिट नंबर से करने के लिए ये हमारा टाइप थर्ड। इसको समझने के लिए पहले ये समझ लें आप करना क्या है। जैसा अभी टू डिजिट के लिए समझा था ऐसे ही आप थ्री डिजिट के लिए समझ लें। पहला स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, दूसरा स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, ये तीनों को ऐड कर दें। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें। फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ और आखिरी स्टेप, फिफ्थ और आखिरी स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पांच स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे। टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने यूज़ करी थी थ्री स्टेप। थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए पाँच डिजिट, पाँच 120 इंटू 104, 120 इंटू 104। पहला स्टेप 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 0। दूसरा स्टेप 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 0 8। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4 प्लस 0 4, तो क्या लिखेंगे अपन? 4 लिखेंगे, सिर्फ 4। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है?
वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू वन, वन इंटू जीरो टू इंटू वन, जीरो प्लस टू टू, आखिरी स्टेप वन इंटू वन वन, आंसर का आया 12480, 12480। एक और एग्जांपल देखते हैं सेम का, 324 का मल्टीप्लिकेशन 123 से, 324 का मल्टीप्लिकेशन 123 से, 3 इंटू फोर, 3 इंटू फोर 12, 2 लिखा 1 कैरी। सेकंड स्टेप क्या होगा, 2 इंटू 3 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, 6 और ऐड कितना होगा, 6 ऐड 14, 14 प्लस 1 इज 15, 15 की 5 1 कैरी, 15 की 5 1 कैरी। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 9 प्लस 4 इंटू 1 13 प्लस 2 इंटू 2 4, 13 प्लस 4 कितना हुआ 17 प्लस 1 18, 18 की 8 1 कैरी। चौथा स्टेप क्या हुआ, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 8 प्लस 1 9। पांचवा स्टेप क्या होगा, 3 इंटू 1 3, आंसर क्या है 39852, 39852 आंसर क्या है 39852। एक और ले लेते हैं थ्री डिजिट नंबर का, नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए 122 का मल्टीप्लिकेशन करना है 321 में, 122 का मल्टीप्लिकेशन करना है 321 में। पहला स्टेप क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 2, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसका मल्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इज 6। थर्ड स्टेप क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 1, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 6, 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 2 4, 7 प्लस 4 11, 11 की 1 1 कैरी। देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 6, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9। देन आखिरी स्टेप क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 39162 आंसर। अब देखते हैं टाइप, अब देखेंगे हम कौन सा टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है हमारा, यदि नंबर है फॉर एग्जांपल 12 का मल्टीप्लिकेशन 18 में करना है, या फिर 102 का मल्टीप्लिकेशन 198 में करना है, यदि फर्स्ट जो डिजिट है, यदि ये डिजिट सेम है, ये दोनों डिजिट सेम है, और इन दोनों नंबर का लास्ट जो दो नंबर हैं इसका सम, इन दोनों का सम 10 की पावर n है, इन दोनों का जो सम क्या है 10 की पावर n है, तो टाइप थर्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपना मेथड टाइप थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 2 प्लस 8 क्या हो रहा है 10, इसमें देख सकते हैं 2 प्लस 98 क्या हो रहा है 100, 10 की पावर n यहाँ पे 1 है, 10 की पावर n यहाँ पे 2 है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड मेथड है क्या, टाइप थर्ड मेथड अप्लाई करना सिंपल है, 2 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली 8 में किया करें, 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करें तो क्या आ जाएगा 16, ये दोनों नंबर सेम है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इसकी नेक्स्ट डिजिट में करना है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट जो आता है 1 के, एक के बाद क्या आता है 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करना है तो क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 216।
आंसर क्या आएगा? 216। अब सेम ये क्वेश्चन देखें आप, सेम ये क्वेश्चन देखें, टू का मल्टीप्लिकेशन 98 में करना है, टू का मल्टीप्लिकेशन 98 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 196। मगर दो डिजिट ये हैं और दो डिजिट ये हैं, तो आंसर कितने डिजिट में आएगा? चार डिजिट में, तो ज़ीरो जोड़ना पड़ेगा आपको, ज़ीरो जोड़ना पड़ेगा। वन का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट डिजिट में करेंगे तो वन इंटू टू क्या आ जाएगा? वन इंटू टू क्या आ जाएगा? टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20196। आंसर क्या आएगा? 20196। अब टाइप थ्री जो देखना है हम, टाइप थ्री देखेंगे टू डिजिट के लिए, पहले टू डिजिट के लिए टाइप थ्री देखते हैं, टू डिजिट के लिए क्वेश्चन। 28 का मल्टीप्लिकेशन करना है 22 में। पहला स्टेप क्या है? पहले चेक कर लें 8 + 2 = 10 हो रहा है और ये दोनों डिजिट सेम है, तो अप्लाई कर सकते हैं टाइप टू। 8 × 2 = 16। 2 के नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 3। तो 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 616। एग्जांपल लेते हैं 52 × 58। 2 × 8 = 16। 2 × 8 = 16। और 5 के नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 6। तो 5 × 6 क्या आएगा? 30। 3016 बोल लेते हैं। 38 × 32। 8 × 2 = 16। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 × 4 क्या आ जाएगा? 12 = 16। अब 3 डिजिट का और देख लेते हैं, टाइप थर्ड में 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं 3 डिजिट के लिए। ऐसे ही 4 डिजिट के लिए कर सकते हैं आप, 3 डिजिट 492 का मल्टीप्लिकेशन 408 का मल्टीप्लिकेशन 408। टाइप थ्री लगा सकते हैं। 92 + 8 क्या होता है? 100, जो कि 10^n है। और ये जो दोनों डिजिट हैं, ये दोनों डिजिट क्या हैं? 44। ये दोनों डिजिट क्या हैं? 44। तो टाइप थ्री लगा सकते हैं। 92 × 8 करें आप, 8 × 2 = 16, 16^6 = 1 carry। 8 × 9 = 72, 72 + 1 = 73। दो डिजिट ऊपर हैं, दो डिजिट नीचे हैं, तो आंसर कितने में आएगा? चार डिजिट, तो जीरो आगे लगा दें आप। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 4 × 5 क्या आ जाएगा आपका? 20। तो 20 यहाँ पे लिखते हैं, 200736 आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 202 को मल्टीप्लिकेशन करना है 298 में। 202 का मल्टीप्लिकेशन करना है 298, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें 98 में। 2 का मल्टीप्लिकेशन 98 में करेंगे तो आएगा 196। ये दो डिजिट हैं, ये दो डिजिट हैं, तो आंसर कितने डिजिट में आएगा? चार डिजिट, तो ज़ीरो लगा लें। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6। तो आंसर क्या आएगा? 60196। एक और ले लेते हैं, 399 का मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को 301 में। 399 का मल्टीप्लिकेशन 301 में, 1 का मल्टीप्लिकेशन 99 में करेंगे तो 99 आएगा, जो कि दो डिजिट ये हैं, दो डिजिट ये हैं, तो आंसर चार डिजिट में आएगा, तो 00 आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 का नेक्स्ट 3 × 4 क्या आता है? 12। तो 12 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 12 0099 आंसर। ये था टाइप थर्ड। अब देखेंगे टाइप फोर मल्टीप्लिकेशन का। टाइप फोर, टाइप फोर में मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं हम, एक तो 11 से और एक 25 से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ 11 एंड 25। पहला देखते हैं 11, मल्टीप्लिकेशन विथ 11।
तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11 से करना है, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ये देखें आप। 132 को मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से, 132 को मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से, तो आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, 1 को एज इट इज़ उतारना है और 2 को भी एज इट इज़ उतारना है, 1 को एज इट इज़ उतारना है, 2 को भी एज इट इज़ उतारना है। फिर स्टार्ट करना है राइट से, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 उतारें, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 उतारें, आंसर क्या आया 1452, आंसर क्या आया 1452। एक और देखते हैं एग्जांपल, 11 का मल्टीप्लिकेशन 11 से करना है, 11 × 11 121 होता है वैसे, 11 का मल्टीप्लिकेशन 11 से करना है। पहला स्टेप क्या होगा, 1 को एज इट इज़ उतारना है, इस 1 को भी एज इट इज़ उतारना है, देन फिर राइट से स्टार्ट करना है, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 प्लस 1 2, 121। एक और देखें, 121 का मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से, 121 का मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से, 1 को एज इट इज़ उतारा, इस 1 को भी एज इट इज़ उतारा, देन क्या राइट से स्टार्ट करना है 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 1 3 3 1 1 3 3 1। और देखते हैं, 4 2 6 1 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, पहला स्टेप क्या होगा, 1 को एज इट इज़ उतारेंगे, 4 को एज इट इज़ उतारेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट से, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, आंसर क्या आएगा 4 6 8 7 1। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 11 के, देन फिर मल्टीप्लिकेशन विथ 25 देखेंगे। फोर सिक्स सेवन टू, 1 को मल्टीप्लिकेशन करना है, पहला स्टेप 4 को एज इट इज़ लिखना है, दूसरा स्टेप 1 को एज इट इज़ लिखना है, राइट से स्टार्ट करना है 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी क्या लिखी, वन वन कैरी यहाँ पे लिख ली, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी यहाँ पे आ गई, कैरी यहाँ पे आ गई, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या आएगा 5 1 3 9 3 1 5 5 1 3 9 3 1। एक और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 11 से ही, 5 7 2 1 3 मल्टीप्लिकेशन विथ 11 से ही, 5 7 2 1 3, 5 को एज इट इज़ लेना है, 3 को एज इट इज़ उतारना है, 3 प्लस 1 इज़ 4, 1 प्लस 2 इज़ 3, 2 प्लस 7 इज़ 9, 5 7 प्लस 5 इज़ 12, 12 की 1 कैरी, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आएगा 6 2 9 3 4 3। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन विथ 11 कितना इजी है, आप देखते ही किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11 से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 25, मल्टीप्लिकेशन बाय 25 से मल्टीप्लिकेशन 32 × 25 करना है। 25 होता क्या है बेसिकली, 25 क्या होता है 100/4, 25 क्या होता है 100/4, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने आए और वो यदि मल्टीप्लिकेशन में जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में 32 × 25 आए तो ये जो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो आप 25 को लिख सकते हैं क्या 100/4, 32 × 100/4, हम जानते हैं 4 32 से कटता है, तो ये कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 800।
एक और ले लेते हैं क्वेश्चन सेम। अगर मल्टीप्लिकेशन आए 80 × 25 का, 80 × 25 का, तो हम जानते हैं 80 जो है डिविजिबल है क्या 4 से, तो 25 क्या होता है 100/4, 100/4, और ये कितने टाइम से चला जाएगा 20 टाइम में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2000, 2000। ओके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 16 × 25, 16 × 25, 25 क्या होता है 100/4, 4 × 4, ये कितना जाएगा 4, 4 × 100, 400 आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 × 25, 4 × 25 कितना आ जाएगा 100, 14 × 25 कितना आ जाएगा 100/4, तो कितना आ जाएगा, इसको 100/4 लिखेंगे तो 10,000। ये था मल्टीप्लिकेशन विथ 11 एंड मल्टीप्लिकेशन विथ 25। अब एक और मल्टीप्लिकेशन में एक टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, वो और देख लेते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। टाइप फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन, टाइप फिफ्थ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये टाइप फिफ्थ रहेगा अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर, अगर मल्टीप्लिकेशन के दोनों नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो 5, लास्ट डिजिट क्या हो 5, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन की लास्ट डिजिट क्या हो 5, ऑड 5 × ऑड 5 या फिर इवन 5 × इवन 5, लास्ट डिजिट जो आएगी मल्टीप्लिकेशन में वो क्या आएगी 25, ऑड 5 × ऑड 5 या फिर इवन 5 × इवन 5, लास्ट डिजिट क्या आएगी 25 मल्टीप्लिकेशन के लिए, इवन 5 × ऑड 5 या फिर ऑड 5 × इवन 5, लास्ट डिजिट क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन में 75। एग्जांपल में एग्जांपल से समझ लेते हैं, ऑड 5, ऑड 5 मींस यहाँ पे 1 × 5 15, ऑड 5 3 5, ये क्या है ऑड है, ये नंबर 1 क्या है ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड 5 × ऑड 5, लास्ट डिजिट क्या आएगी 25, लास्ट डिजिट क्या आएगी 25। इवन 5 ले लेते हैं, 25 × 45, ये क्या है इवन नंबर, 2 क्या है इवन नंबर, 4 क्या है इवन नंबर, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 25, लास्ट डिजिट क्या आएगी 25। अब यहाँ पे देख लेते हैं इवन 5, 25 ऑड 5, 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 75। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं 15 × 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 75। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट डिजिट तो पता चल गया, अगर ऑड 5 × ऑड 5 हो या फिर इवन 5 × इवन 5 हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 25। इवन 5 × ऑड या फिर ऑड 5 × इवन 5 हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 75। मगर लास्ट डिजिट के अलावा जो आगे की डिजिट आएंगी वो निकालने के लिए मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, आगे की जो डिजिट आएंगी उसके लिए फार्मूला ये, A5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम V5 से, A5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किससे, B5 से, A × B, A+B/2 और 25 और 75, लास्ट डिजिट या तो 25 आएगी या फिर 75 आएगी, लास्ट डिजिट या तो 25 आएगी और 75 आएगी। अगर ऑड ए और बी क्या होंगे, ऑड ऑड हों, ए और बी क्या हो इवन इवन हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 25, ए अगर ऑड है और बी अगर इवन है या फिर बी अगर ऑड है और ए इवन है तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 75। और a+b/2 की वैल्यू, a+b/2 की वैल्यू अगर 2.5 आती है तो सिर्फ 2 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, अगर 3.5 आती है तो 3 लेंगे, 4.5 आती है तो 4 लेंगे, 5.5 आती है तो 5 लेंगे। आगे इसी को समझते हैं, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं आगे क्वेश्चंस में। फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव, वन क्या है ऑड है, ऑड 5
इंटू इवन फाइव, ऑड फाइव इंटू इवन फाइव, तो ऑड फाइव इंटू इवन फाइव होता है, तो लास्ट डिजिट क्या आती है 75, लास्ट डिजिट क्या आती है 75। फॉर्मूला क्या बताया था, ए फाइव बी फाइव का, ए इंटू बी, ए प्लस बी बाय टू, और यहाँ पे 25 और 75, तो लास्ट डिजिट तो आ गई 75, ए इंटू बी, वन इंटू टू, वन इंटू टू क्या होता है टू, वन प्लस टू बाई टू, वन प्लस टू बाई टू कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5। हमको क्या 1.5 ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे 1, तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 1+2 कितना हो जाएगा 375। और क्वेश्चन लेते हैं, 25 इंटू 45, दोनों क्या है इवन इवन, इवन इवन होंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 25, ए इंटू बी, ए इंटू बी, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2+4 6, 2+4 6 अपॉन टू, 6 अपॉन टू कितना आ जाएगा 3, 3 यहाँ ऐड किया 8 में तो कितना आ जाएगा 11, 11.25 आंसर, 11.25 आंसर। हम देख रहे हैं 25 इंटू 35, 2 क्या है इवन है, 3 क्या है ऑड है, तो ऑड 5 इंटू इवन 5, लास्ट डिजिट क्या आती है 75। देन ए बी, 2 इंटू 3 इज 6, 2+3, 2+3 5 अपॉन 2 होता है 2.5, 0.5 लेना नहीं है, सिर्फ आगे की डिजिट लेना है 2, तो 6+2 कितना हो जाएगा 875 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 इंटू 45, 3 इज ऑड और 4 इज इवन, तो ऑड 5 इंटू इवन 5, लास्ट डिजिट आएगी 75, 3 इंटू 4 होता है 12, 3+4 7/2, 7/2 होता है 3.5, सिर्फ 3 लेंगे 0.5 नहीं लेंगे, तो 12 में ऐड किया 3 को 1575 आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन है इसी टाइप का, 25 इंटू 65, इवन फाइव इंटू इवन फाइव क्या होता है, इवन फाइव इंटू इवन फाइव की लास्ट डिजिट क्या आती है 25। ए बी, 2 इंटू 6 12, 2+6 8, 8/2 होता है 4, ऐड करा 4, 1625 आंसर। ये तो था मेरा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन कम्युनिटी। अगर आपको और भी नए नए वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।